इन दिनों सोने चांदी के भाव में ही गिरावट का दौर नहीं बना हुआ है, बल्कि आटा दाल चावल का भाव भी बजट में बना हुआ है। अच्छे मॉनसून की वजह से जरूरी वस्तुओं के दाम में गिरावट का दौर बना हुआ है। भारत में अगले महीने के आखिर से जहां एक ओर त्योहार की धूम रहेगी, वहीं दूसरी ओर शादियों का सीजन भी दस्तक देगा। इस वजह से खरीदार बाजारों की ओर रुख करेंगे। अच्छी बात यह है कि त्योहार के सीजन की दस्तक के साथ ही महंगाई पर भी लंबे समय बाद विराम लगने जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ना सिर्फ सोने चांदी के भाव बल्कि मार्केट में खाद्य तेल की कम होती कीमतें भी ग्राहकों को लुभाएंगी। ऐसे में त्योहारी सीजन हर किसी के लिए खरीदारी का अच्छा समय भी बनेगा। साथ ही हालांकि बीते दिनों ही सरकार सोने पर आयात शुल्क को बढ़ा चुकी है, जिसकी वजह से माना जा रहा था कि जेवराती सोना महंगा हो जाएगा, लेकिन ग्लोबल मार्केट की वजह से सोने चांदी की कीमतें गिरने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों की माने तो बीते 3 महीनों में जेवराती सोने के दाम 2500 रुपये प्रति तोले के हिसाब से घटे हैं, जबकि चांदी भी 15,700 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हुई है। यही नहीं, शादी के सीजन की दस्तक के साथ ही अगले साल फरवरी तक अच्छी खरीदारी की पूरी आशंकाएं जताई गई हैं। बाजार के जानकारों की माने तो तिलहन की पैदावार में बढ़ोतरी के भी पूरे संकेत मिल रहे हैं। दलहन के थोक भावों में पिछले कुछ समय से कमी दर्ज की जा रही है। वहीं आयातक देशों जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्राजील, अर्जेंटीना में तिलहन की पैदावार पिछले बार के मुकाबले बढ़ने के पूरे आसार हैं। मानसून की वजह से पैदावार में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, इससे खाद्य तेल की कीमतों के कम होने की संभावनाएं बन रही हैं। कुल मिलाकर अगले 6 महीनों तक बढ़ती महंगाई की लगाम कसी हुई नजर आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।